सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। आपकी जिंदगी बहुत ही अनमोल और सुंदर है, इसे फालतू और बेकार बातों में नहीं गवाएं। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। आज का पंचांग 14 मई 2022 दिन शनिवार, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि दोपहर 3:23 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र शाम 5:28 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:06 से 10:45 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:57 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर सुबह 6:12 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर सुबह 5:35 तक रहेंगे। इसके उपरांत वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि 14 मई 2022 दिन शनिवार, ऐसे अवसरों को पकड़ने की कोशिश करें जो आपको सोचने और उसे अपने तरीके से दोबारा पेश करने का मौका दे। आप इसे उत्साह के साथ कर भी पाएंगे और आपको आनंद भी आएगा। घर में कुछ बदलाव होना ही है, शायद आप अधिक एकाग्रता और अधिक बेहतर अवसरों के लिए किसी नई जगह जाना चाहते हैं। आप इस समय खुद को व्यापार या कानूनी चिंताओं से घिरा हुआ पा सकते हैं। बुजुर्गों या अन्य महत्वपूर्ण लोगों से मिलें और उनके ज्ञान व अनुभव का फायदा उठाएं। जिन बैठकों में आप अभी भाग लेंगे वे आपको शांति प्रदान करेगी। आज भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देगा। दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखें। परिवार और धन से जुड़े मामलों के बारे में भावनाओं को दूसरों से बांटें। आज का दिन पूरे दिल लगाकर काम करने का है और उसके बाद इसका परिणाम भी आपको चौंका देगा। बार बार असफल होने पर भी उत्साह न खोना ही सफलता है। संतान के एडमिशन को लेकर चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से मन में सुकून रहेगा। आप अपना ध्यान अपने व्यक्तिगत कार्यों पर केंद्रित कर पाएंगे। किसी समाज सेवी संस्था में भी आपका सहयोगात्मक योगदान रहेगा। नए संपर्क भी बनेंगे। अनेक प्रयत्न के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। सरकारी कामों से संबंधित अटकी हुई बातें भी आगे बढ़ने लगेंगी। दस्तावेज से संबंधित जो काम रुके हुए हैं वह आगे बढ़ाने के लिए प्रभावशाली व्यक्ति मदद करेंगी। आपकी वजह से परिवार के अन्य लोगों की तकलीफें भी कम होती हुई नजर आ रही है। अपनी कार्य क्षमता का ठीक से इस्तेमाल करते हुए कार्य का विस्तार करने पर उचित ध्यान देना होगा। पार्टनर को आपके सहयोग की जरूरत है लेकिन ये बात खुलकर नहीं बोल पाएंगे। एक ही जगह पर बैठकर देर तक काम करने की वजह से बदन दर्द हो सकता है। चीनी मिल मालिकों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है। जीवन साथी का व्यवहार सहयोगपूर्ण रह सकता है। प्रिंट मीडिया प्रकाशकों को लाभ हो सकता है। कंठ का दर्द परेशान कर सकता है। कॉलेज व्याख्याताओं को स्थानांतरण के मामलों में अच्छा अवसर मिल सकता है। निकट मित्रों के कारण काम में लाभ मिल सकता है। बेटी के करियर के मामलों में सुख मिल सकती है। पेट का दर्द दुख दे सकता है। राजनीतिक शत्रु परेशान कर सकते हैं। अति उत्साह में आकर अपनी गुप्त योजना प्रकट ना करें। पहले की गई कारोबारी यात्रा का परिणाम पक्ष में रह सकता है। गाड़ी ध्यान से चलाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। खनन कारोबारी अधिक अनुकूलता अनुभव कर सकते हैं। कार्यालय में मिले लक्ष्य को पूरा करने के लिए कुछ अधिक धीरज से काम लेना पड़ेगा। प्रतिष्ठा वृद्धि भी हो सकती है। अपना उत्साह बनाए रखें। सावधानियां, अपने बजट का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। अभी धन के लाभ की अपेक्षा व्यय की संभावनाएं ज्यादा बन रही है। भाइयों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो सकती है। मामलों को गुस्से और वाद विवाद की अपेक्षा शांति से निपटाने की कोशिश करें। बात करते हैं लव लाइफ की। जीवन साथी की सलाह आपके लिए राहत और सुकून देने का काम करेगी।
और आप अपने कार्यों को और अधिक बेहतरीन तरीके से क्रियान्वित कर पाएंगी। विवाहित संबंधों से दूर रहें। अपने रोमांटिक पार्टनर के साथ बिताने के लिए समय बेहतरीन है, क्योंकि आपका पार्टनर आप पर प्यार बरसाएगा, उनका सारा ध्यान आप पर रहेगा। उनकी सारी बातों को उसी तरह समझें जिस तरह का उद्देश्य लेकर वे कही गई है, और आलोचना किए बिना इसका मजा लें। जब आपके पार्टनर का मूड रोमांटिक हो तो व्यर्थ के जिद करने या बीती दर्द भरी बातें याद करने से बचें। आपको भी उनसे इतनी ही अंतरंगता से पेश आना चाहिए। अगर आप कोई नया रिश्ता चाहते हैं तो यह समय आपके लिए चमत्कारों भरा है, क्योंकि आपके सितारों के अनुसार जल्द ही आपकी विवाह की संभावना है। आपने जो भी भविष्य के सपने देखे हैं वह जरूर सच होंगे। पारिवारिक संघर्ष या कानूनी मुद्दे अभी कष्टदायक हो सकते हैं। आज आप अपने परिवार से अपने दिल की बात करने में हिचकिचाएंगे, किंतु अपने साथी से कुछ ना छुपाएं, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपका जीवन साथी काम में भी आपके कंधे से कंधा मिलाने वाला है, जिससे आपको मुनाफा होगा। जो युवा अभी प्यार के एहसास से दूर हैं, उनके लिए भी सुख भरे दिन आने वाले हैं। बात करती है करियर की। अच्छा, आपके प्रयास, अनुभव और योजनाएं आपको अलग पहचान दिला सकती है। आप अपने पार्टनर और बॉस से बातचीत करने की हर कोशिश करेंगे और उन्हें अपनी सूझबूझ से प्रभावित करेंगे। कानूनी समझौतों ट्राई अब भी इस समय फायदेमंद साबित होंगे। आज के दिन आपके लिए बेहद शुभ है। आपका पार्टनर आज आपसे मिलने आ सकता है और आपके वित्तीय मामलों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आज आपको अपने आसपास मौजूद लोगों की भावनाओं को भी नियंत्रित करना है। इस चरण के दौरान आप जो भी करें उसे पूरा दिल लगा कर करें, क्योंकि विजेता हमेशा अवसरों का फायदा उठाते हैं। संतुलन बनाना आज का प्रमुख विषय रहेगा और आप अपनी आय और व्यय के बीच एक संतुलन हासिल करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी आय के पूरक के लिए एक दूसरी नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं, और आज आपको एक बहुत अच्छा अवसर मिलने की संभावना है। साथ ही साथ आप अपने व्यय को भी नियंत्रित करने के लिए खर्चों पर लगाम लगाएंगे। वर्तमान व्यवसाय में जो काम चल रहे हैं उनसे संबंधित कुछ व्यवधान आ सकते हैं। इन पर बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता है, क्योंकि निकट भविष्य में बहुत ही लाभदायक स्थितियां प्राप्त होगी। कमीशन संबंधित व्यवसाय में थोड़ा सावधानी बरतें। बात करते हैं सेहत की। थकान की वजह से पैरों में दर्द व अपचय जैसी शिकायत महसूस हो सकती है। लापरवाही न करके तुरंत दवाई लें। दिन आंतरिक ऊर्जा के तूफान से शुरू होगा। आप खुद को शांत और बिल्कुल धैर्यवान पाएंगे। आज बिजनेस संबंधित किसी बातचीत के लिए बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज आपकी मानसिक शांति के कारण आप अपना इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। आपकी अपनी प्रतिद्वंदी से भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कोई भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा। आज का उपाय, आज पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।